अगर आपने अभी तक हमारा सैम गुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप उसको आपको पूरे फुल डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप जानते होंगे सिंबल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इसका इस वीडियो में आज आप देखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने घर खरीद समय लोन लिया होगा, या बाइक खरीद समय लोन लिया होगा, या कार खरीद समय लोन लेगा। अलग अलग प्रकार से आप बैंक से लोन ले चुके होंगे या लेना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी बात है, लोन अप्रूव करने में आपका क्रेडिट स्कोर या सिंबल स्कोर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये बात है कि अगर आपने अलग अलग लोन लिए है, लोन लेने के बाद अगर आप अलग अलग तरीके से हर बैंक से अलग अलग लोन लेते हैं, कोई होम लोन लेता है, कोई और ऐसे बहुत सारे से लोन होते हैं जिनमें से आप लोन लेना चाहते हैं, और अप्रूव करने में आपके लिए सिंबल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा महत्व रखता है, वो हाउज देख लेंगे। क्रेडिट स्कोर और सिंबल स्कोर एक संख्या होती है जिसका लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो तय किया जाता है। सिंबल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपका 6 महीने का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी जा सकती है, यानी आप जो भी बैंक से व्यवहार कैसे किया जाता है आपसे पिछले 6 महीने से, जो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, समझो मुझे लोन लेना है, और उस दिन से 6 महीने तक आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट वो देखी जाती है, उसे उसके जरिए ही सिंबल स्कोर या क्रेडिट स्कोर निश्चित समय पर आपको मिल जाता है, आपका कैसा है और कैसा नहीं ये जान लेते हैं, उससे क्या क्या फायदे हैं वो भी ला। अगर आपने अपना लोन सही समय पर या क्रेडिट बिल का जो बिल है वो सही समय पर या सही निश्चित समय पर भर दिया है, आपका क्रेडिट स्कोर सिंबल स्कोर स्कोर अच्छा बन रहा है। अगर आपने समझा मेरे ख्याल से पहले आपने लोन लिया है, इससे पहले आपने लोन लिया है, अगर आपने जो किस्तें रहती है बैंक की, जो उन्होंने जो अपने जो हफ्ता बोलते हैं, जो बैंक का हफ्ता, जो लोन का हफ्ता जो रहता है, वो हर महीने आपको उतने अमाउंट उन्हें देनी पड़ती है बैंक को, वो जो आप कितना रेगुलरली आप उसे दे देते हैं बैंक को, या क्रेडिट जो का बिल है आपका वो कितने रेगुलर आप भर देते टाइम समय समय पर। अगर आपने उसे क्रेडिट का बिल, समझो मुझे इस महीने भरने का है लेकिन मैंने 2 महीने से क्रेडिट का बिल भरा ही नहीं, तो मेरा क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अगर मैंने मेरे जो लोन का जो हफ्ता है, या जो मुझे लोन में निश्चित समय पर उस समय पर मुझे हर महीने पैसे देने हैं, वो अगर मैंने वो उस समय पर न दिखे, दो तीन समय मैंने लगा दिए, देरी से लगा दिए, तो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो जाता है। वो जो आपको समझ में आ रहा है 100 से लेकर 900 तक इस क्रेडिट स्कोर का जो संख्या बनती है उसके तय पर आधार किया जाता है कि क्रेडिट स्कोर और सिंबल स्कोर क्या है। तो हम ये भी जान लेते हैं, अगर आपको लोन लेना हफ्ता या क्रेडिट का बिल सही समय पर सही वक्त पर निश्चित समय पर नहीं भरा तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं रह पाएगा। अगली बार आपको लोन लेने के लिए बहुत अच्छी परेशानी उठानी पड़ सकती है बैंक से। अगर लोन लेने के लिए आपको सिंबल स्कोर 750 से अधिक होना चाहिए, इससे आपको जल्द लोन मिल जाता है। अगर आपका जो भी लोन है, जब आप लोन की फाइल बनाते हैं, कोई भी लोन की या कार की, कुछ भी बाइक की फाइल बनाते हैं, तब जब बैंक उसे सबमिट करते हैं तो बैंक चेक किया जाता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कितना है। 750 से भी अधिक होगा तो आपका लोन अप्रूव करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने 750 रुपए से भी कम होगा, अगर समझो तुमने बैंक का सही समय पर हफ्ता नहीं बना पिछले लोन का, या आपका चेक बाउंस हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो क्रेडिट स्कोर बनने में बहुत सारे ऐसे मददगार हो सकते हैं। एक तरह का एक बैंक का व्यवहार है, आप जो भी फाइनेंशियल जो आप व्यवहार करते हैं, जो भी आप लेन देन करते हैं बैंक से, वो उससे तय किया जाता है। पिछले 6 महीने में आपने कितना बैंक से व्यवहार किया है, जो आपका जो क्रेडिट बिल है, या बहुत सारे ऐसे बिल रहते हैं जो कि फाइनेंशियल बैंक की तरफ से आते हैं या बैंक के जुड़े हुए स्कीम से तरफ से आते हैं, उन समय सबको मिलाकर क्रेडिट स्कोर बन जाता है। तो अगले देखते क्या है। अगर समय समय पर आपने लोन भुगतान, क्रेडिट कार्ड या बिल का सही समय पर
भर दिया है। बैंक बैंकिंग जो रिपोर्ट की पास जाती है, यानी बैंक के पास वो रिपोर्ट जाती है आपने लोन सही समय से भरा या नहीं भरा, वो वित्त संस्था द्वारा एक मासिक के आधार पर सिंबल के पास जमा की जाती है और जानकारी का उपयोग करके क्रेडिट स्कोर का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाई जाती है। ये क्रेडिट स्कोर बनता है, कैसे बनता है, जो भी आप बैंक को, अगर आप बैंकों से जब व्यवहार करते हैं, फाइनेंशियल व्यवहार, जो आर्थिक व्यवहार जो रहता है वो करते हैं, आपका कैसा व्यवहार है बैंकों के साथ, वो एक रिपोर्ट वो जो बैंक के पास जाती है, बैंक के पास वित्त संस्था द्वारा वो जो सिंबल है सिंबल के पास जाती है और उस जानकारी के उपयोग करके आप जो भी अपना क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट रहती है उससे क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। इसके आधार पर लोन की स्वीकृति हो जाती है, इस जो भी आपका व्यवहार है बैंक के साथ उसके आधार पर इसकी लोन की स्वीकृति बन जाती है, उसे दिक्कत नहीं आती है। सिंबल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के आवेदन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके लोन लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन के बाद आपके क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर की चेक किया जाता है। अगर आपने बैंक के पास अपना जो भी लोन लेने के लिए जो फाइल सबमिट की है उस सबमिट करने के बाद बैंक आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो आवेदन जो आप देते हो उसके इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर कर्जदाता यानी बैंक से वित्त संस्था आपके लोन पर विचार नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्रेडिट स्कोर को अच्छा तो कर्जदाता को लोन देने में कोई पर विचार कर रहा है, यानी अगर आपने जब भी बैंक क्रेडिट स्कोर बनाती है तब अगर आप किसी को लगता है, अगर हमने दो आदमी ने एक साथ फाइल में सबमिट किया है, बैंक के साथ एक फाइल सबमिट किए, सेम लोन है, सेम उसी प्रकार से उन्होंने लोन अप्रूव करने के लिए बैंक में फाइल जमा की है, एक व्यक्ति के पास एक लोन उसका अप्रूव जल्द से जल्द हो जाता है और दूसरा व्यक्ति है उसका लोन अप्रूव नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल जो बैंकों के साथ जो व्यवहार था, आर्थिक व्यवहार था, उसका कुछ उसने गलत किया होगा, कभी उसका चेक बाउंस हो गया होगा या क्रेडिट कार्ड का बिल उसने टाइम से नहीं भरा होगा या लोन का हफ्ता उसे टाइम से नहीं भरा होगा, ऐसे बहुत सारे से जो सवाल उठ रहे हैं वो जो उनके जरिए उसे फाइनेंशियल जो व्यवहार है उसका वो बैंक के साथ अच्छा नहीं रहा, इसका क्रेडिट स्कोर जो होगा वो कम होगा, 750 से कम होगा। क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होगा उतना स्वीकृति होने में संभावना उतनी ही अधिक होती है, यानी जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, 750 से लेकर 900 के बीच अगर क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको कर्ज लेने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। एक अच्छा सिंबल स्कोर 750 से लेके 900 के बीच में माना जाता है। यदि आपके पास सिंबल स्कोर 700 से ऊपर है तो आप बैंक को अन्य वित्तीय संस्था कंपनियों को आपको आसानी से लोन देगी। अगर आपका सिंबल स्कोर 700 से कम है तो आपको बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं कंपनियों आपको लोन देने में आनाकानी करेगी। जिसका सिंबल स्कोर जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही लोन जो लोन अप्रूवल है उन्हें होने में बहुत उतनी ही ज्यादा संभावना हो जाती है। यानी अगर आपने क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन किया वाला होगा तो आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने बैंक के साथ अपना व्यवहार जो है वो कुछ अलग किया होगा, कुछ बैंक में आपका कुछ जो ऐसा रहता है फाइनेंशियल जो रहता है वो अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। अगर 750 से भी कम है तो आपको लोन लेने में बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आपका 900 से अधिक है, 750 से अधिक है, वो 900 के बीच में है तो आपको ये अच्छा स्कोर माना जाता है। जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो ये सिंबल यहाँ पे जो सिंबल स्कोर का दिखा रहा है, ये जो एक यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 100 में गिने जाते हैं, यानी ये 100 है, ये 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक है तो आपको लोन देने में कोई भी बैंक आपको लोन आंख बंद कर दे देगी, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर 750 कम है यानी 600 500 है तो आपको बैंक लोन देने में बहुत सारी ऐसी आनाकानी करेगी। तो ये था क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इसकी फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आपको अच्छा मैंने बना के दिखाने की कोशिश की है, क्रेडिट स्कोर आपको समझाने की कोशिश की है आम भाषा में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।